हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मीना कुमारी लर्निंग। मैं मीना आप सभी को मेरे वीडियो पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होलिका दहन दिखाने जा रही हूँ। हमारे ही पार्क में होलिका की तैयारी की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। जैसे ही देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे होलिका के पास जा रही हूँ। देखिए, ये हमारे पार्क में लगा हुआ सब होलिका का, इसका दहन करेंगे और इसके चारों तरफ सजाया हुआ है। अब इसमें सब लोग भांगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे, खुश हो रहे। बहुत आवाज़ आ रही थी, तो ऐसे ही अब बस हम इनका वेट कर रहे थे कब इसको जलाएंगे। ऐसे ही देखते देखते अब देख रही हूँ कि जलाने की कोशिश कर रही थी मैं, जल्दी से इसके पास गई धीरे धीरे कि मुझे इसका जलता हुआ देखना है। तो ऐसे देख सकते मैं पास जा रही हूँ, अब देख रही हूँ कितना जल रहा है। अब ये जलने ही वाला था, अब ये जल चुका है। तो देखते ही देखते पलक झपकते ही पता इतनी तेज़ आग लग गई, फिर मैं से तो रहा ही नहीं गया। और चारों तरफ इतनी भीड़ थी, उत्साह थी इसको देखने के लिए। हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही होलिका के दहन हो किया जाता है, तो मैं हर साल ही देखती हूँ। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल के लिए, जिसका है होलिका दहन। तो होलिका दहन आप लोग भी कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आप लोगों के यहाँ पर होलिका दहन होती है कि नहीं, ये भी अवश्य बताइए। अब ऐसे ही होलिका दहन की आनंद लीजिए। देखिए अब ये कितनी तेज आग लग चुकी है। अब ये पता इतनी हवा चल रही थी, एकदम से पता नहीं हवा भी कहाँ से आ गई और इतने धू करके जलना शुरू हो गया। और इतनी तेज हुई, उसके बाद तो मुझसे रहा ही नहीं गया। इतनी ताप लग रही थी बाबा, इतनी गर्माहट लग रही थी। मैं तो उसके बाद धीरे धीरे पीछे होने लग गई। और देखते ही देखते बहुत तेज मतलब बहुत तेज जलने लग गया और रहा नहीं गया। फिर मैं देखते देखते मैं पीछे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ताप लग रहा था, सहन नहीं हो रहा था, पूरा शरीर जल रहा था आग से। मैं पता नहीं सर क्या हो रहा है। फिर देखते ही देखते देखते कितनी तेज़ आग लग चुकी और इतनी तेज़ कि पता नहीं। और उसके करीबन एक घंटे के बाद आग ख़त्म होने के आहट में थे। धीरे धीरे आग बुझ चुकी थी। ऐसे ही हमारे होलिका दहन ख़त्म हो गया। आपको ये होलिका दहन कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम में अवश्य बताएं। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।